अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। कुछ रोज़े भी गुजर चुके हैं, हम आपके सामने नहीं आ सके, उसकी रीज़न ये थी कि हम ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। बहरहाल जी, आज हमें छुट्टी है तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ आज की रमजान की पूरा रोज़ा की रूटीन शेयर की जाए। तो इसी साथ करते हैं जी आज की वीडियो स्टार्ट। अभी प्लान कुछ इस तरह से है, वो मैं आपको बताऊँगा नहीं, अभी जिधर भी जा रहे हैं साथ साथ आप देखिएगा। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलें इसी साथ करते हैं जी आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो जी आपको एक न्यूज बताते हैं कि 12 अप्रैल से यूके में लॉकडाउन जो है काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। इसमें ये है कि नॉन एसेंशियल जो इतने भी स्टोर है वो सारे ओपन हो गए हैं, और स्पेशली हैंड कार वॉश ओपन हो गए हैं, जिनका मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि कार को वॉश करवाना था और काफी दिनों से मैं वॉश नहीं था करवा सका। आई थिंक 2 to 3 months हो गए थे, तो फाइनली अभी मैं कार वॉश के लिए आया हुआ हूँ। तो अभी देखते हैं, करवाते हैं कार वॉश और उसके बाद चलते हैं वापस घर और देखेंगे कि आज रमजान की वीकेंड पे क्या रूटीन रहेगी। हैंड कार वॉश मैं पसंद करता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि हैंड कार वॉश से मुझे लगता है कि कार जो है वो सही तरह वॉश होती है। वैसे तो एजरा स्टोर पे भी जा सकता था, वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, पर वो इतनी अच्छी जो हैं वो सफाई नहीं करती, तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से हैंड कार वॉश का वेट कर रहा था। बहरहाल जी, अभी हमारी कार रेडी हो चुकी है, ज़रा आपको दिखाते हैं। तो चलें जी अभी घर चलते हैं, और घर जाने के बाद सबसे पहला प्लान ये है कि यूसुफ काफ़ी ज़्यादा दिनों से ज़िद कर रहा था कि मैं उसके साथ पार्क में जाऊं बाइसिकल राइड पर, तो सबसे पहले उसी के साथ बाहर जाना है पार्क में, और उसके अलावा वहां पर जाकर आपको मैं दिखाऊंगा ड्रोन से सिनेमैटिक व्यूज़। तो चलें अभी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारा फाइनली प्लान बना है ईद की शॉपिंग करने का, क्योंकि ईद करीब ही है, तो हमने सोचा क्यों ना आज शॉपिंग करने जाएं। तो अभी ज़रा हम शॉपिंग करने के लिए लेक साइड शॉपिंग सेंटर आए हैं, और अभी हम उधर जा रहे हैं, तो अभी अंदर चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद अच्छी धूप निकली है, तो अभी हम आए हैं जी लेक साइड शॉपिंग सेंटर। आज आपको ज़रा इस शॉपिंग सेंटर के बारे में बताते हैं। आज जिस जगह पर हम आए हुए हैं, इस जगह का नाम जैसा कि मैंने पहले बताया है इनटू लेक साइड, और ये जगह है ईस्ट लंदन साइड एसेक्स में, और ये शॉपिंग सेंटर बिल्ट हुआ था 1990 में, आज से तकरीबन 30 साल पहले। वैसे तो मेरी और तहमीना की सबसे फेवरेट चीज़ जो है वो शॉपिंग करना ही है, आप इसे कह लें कि हमारी हॉबी है शॉपिंग करना। तो चलें आज शॉपिंग करते हैं ईद की, और देखते हैं कोई चीज़ हमें पसंद आती है या नहीं। आज रश जो है काफ़ी ज़्यादा है, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे,
बहरहाल जी अभी हम MNS आए हैं, तो अभी इधर जाके देखते हैं तमीना को कोई चीज़ पसंद आती है या नहीं आती। क्या ख्याल है तमीना? देखते हैं। चलो जी अभी देखते हैं। जबरदस्त है मीना। अभी तो तमीना की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब है मेरी बारी, तो चलें जी अब अपने लिए कुछ पसंद करते हैं। कुछ पसंद आया? फिलहाल तो नहीं, फिलहाल देख रहे हैं। आई थिंक कलर कोई और होना चाहिए, क्या ख्याल है तमीना? हाँ कलर ब्लू तुमने बहुत ज्यादा पहले पहना हुआ है। सामने हो ना, ये कैसी लग रही है तमीना? अच्छी लग रही है, ये भी ट्राई करो। आई थिंक द अदर वन वाज मोर बेटर। यहाँ पर एक स्टोर डेवलम्स कोविड की वजह से क्लोज होने लगा है, उन्होंने सेल लगाई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा रश है आज इधर। ये सामने स्टोर है डेवलम्स, ये क्लोज होने लगा अभी। तो फाइनली व्यूवर्स, आज की हमारी ईद की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।